प्रोनंसिएशन पर काम कर रहे हैं तो मतलब वो ठीक ही नहीं हो रहे हैं, बैठ जाइए। मतलब आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये अभी फिलहाल आपको लग रही है कि जो मैं बोल रही हूँ उसको प्रोनंसिएशन में मुझे सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। प्रोनंसिएशन ठीक करने का तरीका क्या है, क्या लगता है आपको प्रोनंसिएशन ठीक करने का तरीका क्या है? सबसे पहली चीज तो सुनिएगा जरा, प्रोनंसिएशन ठीक करने का तरीका क्या है, तो उसके लिए हम लोग को आईपीए सिंबल्स वगैरह के बारे में हम लोग को फोनेटिक्स पढ़ना पड़ता है। सबसे पहली चीज है कि अगर हम लोग वेल रिसर्च्ड होकर जाना चाहते हैं उसके थ्रू, लेकिन हम लोग सब लोग आप टीचर्स ट्रेनर्स नहीं बनना चाहते हैं, आप में से सभी लोग उसमें पीएचडी नहीं कर रहे हैं पर्टिकुलरली इंग्लिश को लेकर, आप में से सभी लोग, और ये सभी एक आम व्यक्ति इतना कर भी नहीं पाते हैं पर, तो बात करते हैं। एक तो सिंपल सा तरीका है कि हम लोग एक कोई प्रोनंसिएशन का कोर्स ले सकते हैं, कोई आजकल ऑनलाइन काफी सारे कोर्सेज चल रहे हैं, मुझे खुद नहीं पता उसके बारे में कौन सा वैलिड है, बट अगर आप रिसर्च करके ढूंढना चाहते हैं कोर्स ले सकते हैं जिसपे प्रोनंसिएशन के लिए स्पेशल कोर्स कर सकते हैं आप ऑनलाइन। एक ये पहला तरीका है कि अगर हम लोग स्पेसिफिकली एक ट्रेनर को लेकर, एक गाइड को लेकर, एक एक्सपर्ट हमारे साथ में है तो उसकी बात अलग हो जाती है, हाँ या ना? ये प्रैक्टिकल लॉन्ग टर्म इंप्रूवमेंट के लिए बता रहा हूँ आपको। दूसरी चीज की बात करें हम लोग, अगर हमको प्रोनंसिएशन ऐसे इंप्रूव करना है तो वो कैसे इंप्रूव होगा? सबसे पहली चीज होती है कि हम लोग क्या करें, एक तो होता है कि जब हम कोई वीडियोस वगैरह को देख रहे होते हैं तो पहली बार में तो हम अंडरस्टैंड करने में लगे रहते हैं क्या यूज होगा कैसे होगा, दूसरी बार में हम लोग यहां पर उसको देखें तो प्रोनंसिएशन के तौर पर देखें किस चीज का प्रोनंसिएशन इन्होंने क्या कहा है। जब ऑब्जर्वेशन हमारा बढ़ेगा तो सारी चीजों को हम लोग लिसनिंग कर रहे हैं, जो लिसनिंग कर रहे हैं, वीडियो वॉच कर रहे हैं, जब हम वो देखेंगे तो प्रोनंसिएशन का धीरे 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 इंप्रूवमेंट उसमें आकर आते हैं हमारे पर हमारे पास में आता है। दूसरा, मैंने ब्रिटिश इंग्लिश प्रोनंसिएशन इंप्रूव करने के लिए आपको ऑलरेडी वीडियो भेज ही दिया है कि उसमें आपको उसको देखकर प्रैक्टिस करनी है। कितने लोगों ने देखा वो वीडियो भेजा था मैंने, एक डेढ़ घंटे के आसपास का वीडियो भेजा था मैंने, जो तो वो वीडियो है उस पर भी आप अगर प्रैक्टिस करते हैं और हर एक व्यक्ति के प्रोनंसिएशन को ध्यान देते हैं, और एक टेक्निक होती है जिसको बोलते हैं मिरर टेक्निक। मिरर टेक्निक में क्या होता है कि मतलब हम एक चीज को देख रहे हैं, इमिटेट कर रहे हैं वहां पर, उसमें मिरर में देखकर हम लोग कुछ कुछ कभी हंसते हैं ना, मुंह बनाते हैं, एक्टिंग करते हैं, ऐसा कुछ अलग अलग चीजें करते हैं, तो हम लोग देखते हैं अपने आप। तो वो मिरर टेक्निक में क्या होती है कि अगर कोई स्पीकर बोल रहा है तो उसके साथ साथ हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको इमिटेट कर रहे हैं, उसकी नकल कर रहे हैं। वो स्पीकर बोल रहा है उसकी नकल आप कर रहे हैं, वहीं पर देखते देखते नकल करते जा रहे हैं, वो जैसा बोल रहा है वैसे आप बोल रहे हैं, जैसे उच्चारण ले रहा जैसी बॉडी लैंग्वेज ले रहा है वैसी बॉडी लैंग्वेज ले रहे, मेरी बात समझ रहे हैं? बताता हूं, अभी जैसे मैं जैसे बोल रहा हूं आप मुझे इमिटेट करिए मेरे साथ, आप बोलते चले जाइए, मतलब आवाज भले ही ना निकालें पर आप बोलते चले जाइए, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं मेरी बॉडी लैंग्वेज जिधर भी जा रही है, जरा करके देखो, प्रैक्टिकल करके देखते हैं, सभी रेडी हो जाओ, मेरी बॉडी लैंग्वेज को ऑब्जर्व करो, जैसे मैं बोलते जा रहा हूं वैसे वैसे आप बोलते जाओ, बस बिना साउंड निकाले यहां पर, रेडी? तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी वो टेक्निक अगर हमारी इंप्रूव हो, बॉडी लैंग्वेज सबकी चलनी चाहिए, कम ऑन प्रैक्टिकल करो यार, प्रैक्टिकल बनो। तो अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर कि अगर हम चाहते हैं कि वो तो इमिटेट करना शुरू करेंगे जब फॉरेनर्स को, जिनके वीडियोस हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, जब उनके वीडियोस हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो उनके देखने के जो बोलने का जो तरीका है उनको देखने के बाद में हम लोग इमिटेट करेंगे, तो कहीं ना कहीं वैसे ही माउथ हम भी बनाएंगे, वैसे प्रोनंसिएशन हमारे में निकल कर आएगा, वैसी बॉडी लैंग्वेज हमारी भी आएगी। जब ये करने लग जाएंगे तो थोड़े दिन तो पागलपंती लगेगी, जैसे अभी आपको लग रही है, जब आप ये करने लग जाएंगे थोड़े दिन तो पागल नजर आएंगे, लेकिन एक समय के बाद में आपको टोन ऑफ वॉइस, विजुलाइजेशन, आपका बोलने का स्टाइल, कहीं ना कहीं उसमें वो चीज उतरना शुरू हो जाएगी, प्रोनंसिएशन चेंज होना शुरू हो जाएगा प्रैक्टिकली। हेलो, दिस इज प्रैक्टिकल टिप, जाकर जाके वीडियोज वगैरह देखें और उनकी नकल करें, उनके जैसे बोलने, उनके साथ साथ बोलते चले जाएं, है ना? ये मैंने खूब किया है पहले, मैं उनके साथ साथ फॉरेनर के साथ साथ बोलते चले जाता फटाफट, लेकिन इसके लिए हमको उनके साथ ट्यून होना पड़ेगा, फटाक से ट्यून होकर उनके साथ साथ निकल के क्या बोलते चले जा रहे हैं। यस, वो कभी कभी होता ना कि घर के अंदर कोई किसी की कॉमेडी कर रहा है, मम्मी है या कोई मौसी है, भाई है, कोई रिश्तेदार है, उसकी कॉमेडी का उसके जैसे जैसे बोलते चले जा रहे हैं, वो बोल रहा है और उसके साथ साथ हम भी बोलते जा रहे हैं, नहीं मेरे को जाना, मेरे को नहीं आना, तो क्या कर रहे हैं, देखा कभी ऐसा? हाँ, मेरा नाम ले, मैं सही करूँ, मैं दिमाग खराब सही करूँ, तो हम लोग क्या करते हैं कि वो उसके साथ करते चले जाते हैं, वही टेक्निक होती है, इमिटेशन कहलाती है वो। क्या कहलाती वो? इमिटेशन। तो जैसे हम लोग इमिटेट करना शुरू करेंगे, ये मान लो कि अपने आपको मिरर में देख रहे हो और इमिटेट कर रहे हो, इससे हमारा प्रोनंसिएशन इंप्रूव होना शुरू हो जाएगा। यस, और बाकी मैंने आपको तरीके बता दिए, नेक्स्ट लेवल पे करने हो तो उसके अलग तरीके। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन।